आम चुनाव में जीत हासिल करने के लिए तमाम दल वादों और दावों के जरिए जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार के लोगों को साधने के लिए अब महागठबंधन की अगुवाई कर रहे राष्ट्रीय जनता दल ने भी अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसे पार्टी ने प्रतिबद्धता पत्र का नाम दिया है। इसमें RJD ने आरक्षण पर काफी जोर दिया है। वैसे तो बिहार में आरक्षण का जिन रह रह कर बाहर आ ही जाता है, ऐसे में चुनावी मौसम में पार्टियों का आरक्षण प्रेम छलकना लाजमी है। सूबे के CM कई बार आरक्षण की वकालत कर जनता को साधने की कोशिश कर चुके हैं, जिसके काट निकालने के लिए ही आज RJD ने दलितों पिछड़ों को आरक्षण देने का वादा अपने मैनिफेस्टो में किया। आज पार्टी नेता तेजस्वी यादव ने प्रतिबद्धता पत्र को जारी करते हुए आरक्षण पर जोर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि सत्ता में आने पर RJD दलितों पिछड़ों को आबादी के अनुपात में आरक्षण देगी। मंडल कमीशन के बाकी सुझावों को लागू किया जाएगा। हर थाली में रोटी और हर हाथ में काम होगा। प्रमोशन में भी आरक्षण लागू किया जाएगा। निजी संस्थानों की नौकरियों में भी आरक्षण दिया जाएगा। 200 पॉइंट रोस्टर प्रणाली को संवैधानिक मान्यता दी जाएगी। 2021 में सभी जातियों की जनगणना सुनिश्चित करेंगे। अल्पसंख्यक समुदाय की उन्नति के लिए RJD प्रतिबद्ध है। राज्य में खाली पड़े पदों को जल्द से जल्द भरने की बात भी कही गई है। इसके अलावा सभी को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सुनिश्चित करने का वादा किया गया है। बिहार से पलायन रोकने के लिए शिक्षा और रोजगार पर बल दिया गया है। ताड़ी खरीदने और बेचने पर रोक हटाई जाएगी और इसे लीगल करने की बात कही गई है। वहीं RJD ने कांग्रेस की न्याय योजना का भी समर्थन किया है। आपको बता दें कि बिहार में करीब 18% आबादी दलितों की है, जबकि अल्पसंख्यक आबादी करीब 17% है। ऐसे में पार्टी ने आरक्षण का ऐलान कर इन पर दाव लगाने की कोशिश की है। इसके अलावा मैनिफेस्टो में ऐसे वादों को जगह दी गई है जो BJP और JDU की परेशानी बढ़ा सकते हैं। डिवलाइफ की रिपोर्ट।